हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और मेरा सुबह का जो भी रूटीन होता है, बच्चों बच्चों को भेजना, वो भेज दिया था। अब मैं करने जा रही हूँ पूजा, और ये फूल मैं बाहर से तोड़ के ग्राउंड से लाई हूँ। पता, पौधे तो हम बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन पता क्या है, यहाँ कहीं गाय खा जाती है, बकरी सबकी खुली हुई होती है, वो खा जाती है। तो अब हमारे यहाँ बहुत अच्छे फूल, मतलब बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे, वरना हम दिखाते। ये वाले फूल बहुत सारे लगे हुए, पर मुझे जो इतनी ज़रूरत थी उतने तोड़ के लाई हूँ, और बाद में और लोग ले जाएंगे तो मैं दिखाती बाहर। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ा अंदर से थोड़ा वो लगता है, जानते तो सभी हैं लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और कल या परसों में जब भी कोई नहीं होगा तो मैं बाहर तक वो दिखाऊंगी, या शाम को दिखाऊंगी। फूल वगैरह लगे होते बहुत सुंदर लगता है, और रेड वाले फूल नहीं थे जो बड़े बड़े वाले, वो भी लगा है, उसमें भी दो फूल आए थे, वो भी इतना ही बड़ा है, उसमें भी खा जाते हैं। तो पूजा कर लेते हो, फिर मिलूँगी आपसे, और फिर कहाँ मिलूँगी वो आपको पता है। और अभी हमारी हो रही है पूजा, और पूजा करने के बाद तुलसी मैया की पूजा की। तुलसी मैया बिल्कुल छोटी छोटी सी है हमारी, पर ये घर में ज़रूरी होती है तुलसी लगाना। और फटाफट से आ चुकी हूँ किचन में, अभी लगा रही हूँ बर्तन, फटाफट से काम कर लेती हूँ। पता है यहाँ पे दो दूध के मंगाए थे और एक मट्ठे का, तो मैं धुल के करती हूँ। और अभी बन रही है मेरी चाय और दूध। अभी मैंने भैया से कहा था दूध लेके आऊँ, घर में दूध खत्म हो चुका था, बस थोड़ा सा बचा था। और दूध के बाद में एक पैकेट मट्ठा है, पता घर में हमें थोड़ा रायता बनाने का मन करता है, तो मैं वही बनाऊँगी। और दूध वगैरह गर्म करने के लिए पहले तो एकदम गर्मा गर्म वाली चाय नमकीन के साथ, उसके बाद में मैं कुछ करूँगी, सर में दर्द हो रहा है। और अब हमारी बन चुकी है चाय, आप लोग भी आ जाइएगा, और मैं बैठ के आराम से, थोड़ा काम भी हो चुका है मेरा, तो मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे आएंगे तब तक तो मेरा खाना बन ही जाएगा। पता वो वाला गाना नहीं है, महलों की रानी जग से भी रानी, मैं किचन की रानी जग से भी रानी, लग जाए ना नजर मुझे, हम तो भाई किचन की रानी है, बाहर की दुनिया से मतलब कम। तो किचन में आ चुकी हूँ अभी, और पता है मैं कैमरे के सामने डायरेक्ट नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा लगता है, होता है सबके सामने, अब इतना तब भी बोल लेती हूँ, हर कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ रामलीला होती है ना, तो चार चार है, और कई लोग हैं स्टेज पे नहीं जाते, मैं भैया स्टेज पे नहीं जाते, वो बोल नहीं पाते, माइक लेके बोल नहीं पाते भैया, परिया तो स्टेज पे नहीं जाएंगे, तो कैमरे के सामने हर किसी का बोलना नहीं हो पाता है, मैं फिर भी बोलने लगी हूँ। और बाहर जाती हूँ तो पहले मतलब मुझे क्या लगता था, पहले लगता था कि जैसे सबके सामने कैमरा मोबाइल निकालूंगी तो वीडियो बनाऊंगी, तो बड़ा शर्म लगती थी, हर जगह जाती थी तो अपना जैसे मोबाइल लेके जाती थी और अपना रखे रहती थी, नहीं निकालती थी, बड़ा अजीब सा। लेकिन अब नहीं उतना लगता है, हाईवे पे भी जाती हूँ, लोग मिलते भी हैं, और उस दिन तो किसी ने कह दिए, कहते हुए जा रहे हैं भैया वीडियो बन रहे हैं, बड़ा अजीब लगा, पता नहीं कौन था, कोई गाड़ी वाला था, हो जाता है ऐसा कभी कभी। मतलब आपस में एक लेडीज थी एक जेंट्स, दो लोग बैठे हुए थे, तो जेंट्स लेडीज से कह रहा, नहीं लेडीज जेंट्स से कह रही थी कि ये देखो वीडियो वगैरह बन रहे हैं, और लेडीज थी वो, हम लोग देख के एकदम हंसने लगी, तो बड़ा मुझे भी हम लोग थोड़ा बैस थोड़ा लगा, लेकिन वो एकदम हंसती रही, देखती हुई चली गई एकदम से, और फिर हम लोग फिर चले आए। तो ये होता है, हर चीज़ एकदम से नहीं हो पाती है, और मैं भी कैमरे के सामने एकदम से पहले तो बिल्कुल नहीं बोल पाती,
पाती थी, बड़ा अजीब सा। पहले मैं अपने घर वालों के सामने नहीं बोलती थी, जब घर में कोई नहीं होता था तब मैं बोलती थी, अब तो फिर भी बोलने लगी हूँ। तो किचन की रानी किचन में आ चुकी है और क्या बनाऊंगी, अच्छा सा अच्छा सा। बच्चे मेरे स्कूल से आते हैं तो पता क्या सीधे बोलते हैं, मम्मा कुछ अच्छा सा बनाया, और दीदी होती है तो दीदी से बोलती है, बच्चे बोलते हैं बुआ आपने क्या अच्छा सा बनाया, और अगर दीदी ने कह दिया कि ये बना, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हो, दीदी कहेंगी देव तुम जब भी आते हो तभी ऑर्डर मारते रहते हो, बुआ कुछ बनाया, हम सारे दिन तुम्हारे किचन में बनाते ही रहे कुछ ना कुछ। तो बस चाय भी पीती जा रही हूँ, और नमकीन तो फिनिश हो गई। तो चाय भी पीती जा रही हूँ, साथ में काम भी करती जा रही हूँ, और मैं बनाने जा रही हूँ दाल। और आज दाल बनाऊँगी टमाटर डाल के, मुझे तो पसंद है, बच्चों को नहीं पसंद है, फिर भी थोड़ा सा बनाऊँगी। और बस खीरा मैंने एक लिया है, और कद्दूकस कर ले रही हूँ खीरे को, और उसके बाद में मैंने खीरे का बनाऊँगी रायता, क्योंकि इस टाइम गर्मियों में खीरे का रायता बहुत फ़ायदा करता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने तवे पे थोड़ा सा जीरा डाला है, हींग डाली है, और गैस को कर दिया है बंद, कि नहीं तो हींग जल जाएगी। और यहाँ पे जीरा हींग मैंने पीस लिया है, इसमें ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे ये वाला मसाला अच्छा लगता है। और वैसे खड़ा एकदम जीरा और हींग डाल दो ना तो वो मुझे कम पसंद है। और यहाँ पे ये तड़का लगा दिया है मैंने रायता में, रायता बन चुका, बस दो तीन लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सा ले लूँगी, फिर शाम को खट्टा हो जाता है, तब कोई खाता नहीं है रायता इस वजह से। तो यहाँ पे भी एक पान से दो काज कर लूँगी बैठ के, खड़े होकर मुझे ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और यहाँ आलू भी छील लिए और चावल भी, तो बस यहाँ पे टमाटर है ना निकाल लिया, इसके छिलके हटा दिए, छिलके फिर नहीं अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं मेरे, हरे धनिया, आज हल्दी नहीं डाली है मैंने आलू में। और बनाने जा रही हूँ चटनी, और बस आज मेरा मन कर रहा है घूमने जाने का, तो कहीं जुगाड़ लगाऊंगी घूमने जाने की। फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ, बच्चों के आने का टाइम हो गया और हमारा खाना हो चुका है रेडी। खाने में रायता, चावल, दाल, चटनी, यही है खाने में आज, खीरे वाला रायता एकदम, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी है। और बस यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के